डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। 10 काउज कैन ग्रेज इन ए फील्ड फॉर 15 डेज एंड 20 काउ कैन ग्रेज इन द सेम फील्ड फॉर 10 डेज। तो सेम फील्ड है लेकिन जब 10 काउ हैं तो 15 दिन में चर लेती हैं और 20 गाय हैं तो 10 दिन में चरती हैं। सो फॉर हाउ मेनी डेज कैन 30 काउ ग्रेज इन ए फील्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे होंगे जिसमें एक एक नियम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे चैन रूल वाले क्वेश्चन होते हैं। चैन रूल वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं कि अगर 10 गाय अगर 15 दिन में चरती हैं और 20 गाय अगर 10 दिन में चरती हैं, तो चूंकि ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि ये मल्टीप्लाई इंटू ये मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 150, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 200। तो चूंकि इक्वल नहीं है इसलिए हम ये सिंपल क्वेश्चन नहीं रह गए, तो मतलब अब हम इसको एक एक नियम से नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ये देखें कि उस फील्ड में घास है कितनी और पर डे घास कितनी बढ़ रही है और एक दिन में एक गाय कितनी घास चर लेती है। तो हमको ये सब दो तीन चीज़ें यहाँ पर मेंशन करके चलना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम ये नोट कर लें कि उस फील्ड में घास थी कितनी, ठीक है। सो लेट जी बी द टोटल यूनिट ऑफ ग्रास, लेट जी बी द टोटल यूनिट ऑफ ग्रास, टोटल यूनिट ऑफ ग्रास। तो हमने क्या सोचा कि उस फील्ड में कितनी ग्रास है, जी है टोटल यूनिट, तो जी टोटल यूनिट हो गई घास की। अब उसमें से हमने क्या बोला कि एक दिन में सपोज आर यूनिट जो है घास उगती है, सो लेट एंड इन द फील्ड एंड आर बी द एंड आर बी द यूनिट्स ऑफ ग्रास, आर बी द यूनिट्स ऑफ ग्रास ग्रोन, ऑफ ग्रास ग्रोन पर डे। मान लो हर एक दिन में आर यूनिट ग्रास जो है पर डे उगती है, पर डे, तो एक दिन में तो आर यूनिट ग्रास जो है, आर यूनिट घास क्या हो गई, उग गई, लेकिन एक दिन में एक गाय चरती कितनी घास है तो उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर कर लें। सो एंड सी बी द यूनिट्स ऑफ द ग्रास, सी बी द यूनिट्स ऑफ ग्रास को मतलब एक दिन में कितनी घास जो है एक गाय चर लेती है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे सिंपली जो है कि सी बी द यूनिट्स ऑफ ग्रास ईच काउ ईट्स पर डे, ग्रास ईच काउ ईट्स पर डे, ईच काउ ईट्स पर डे, मतलब एक दिन में जो है सी यूनिट घास जो है गाय चर लेती है, ईट्स पर डे। तो इतना हो गया, तो जी बी द टोटल यूनिट्स ऑफ ग्रास थी, आर जो है टोटल ग्रास पर डे जितनी उगती थी और सी एक गाय जो है एक दिन में इतनी घास चर लेती थी, इतना हो गया। अब जो है क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या दे रखा है, उसने क्या बोला कि 10 गाय हैं और 15 दिन में चरती हैं, ठीक है। सो 10 गाय हैं तो टोटल घास कितनी है, जी है, और 15 गाय हैं 15 दिन में चरती हैं, मतलब एक दिन में अगर 15 दिन चरती हैं तो 15 दिन घास उगेगी भी, तो एक दिन में आर यूनिट उगती है तो 15 दिन में कितनी घास उगेगी, 15 आर। तो जब इतनी घास थी पहले और 15 आर उगी तो कितनी गायों ने चरा उसको, 10 गायों ने, कितने दिन तक, 15 दिन तक, तो 10 × 15 और एक दिन में कितनी घास चरती है, सी यूनिट, तो इसी का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना आ गया, 150 सी। अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि 10 गाय हैं और 20 दिन के लिए चर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जी प्लस 10 आर इक्वल टू, ठीक है, और ये 20 दिन के लिए तो ये क्या हो जाएगा, 20 × 10 सी, तो ये हो जाएगा 200 सी। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, तो ये दूसरी हो गई और ये पहली इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो करना क्या है कि जो दूसरी इक्वेशन है उसमें से पहले वाले से दूसरे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जैसे हमने माइनस किया तो क्या हो जाएगा, साइन, तो जी से जी साइन चेंज हो जाएगा सबका, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5R इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, 5R इक्वल टू माइनस 50 सी, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई माइनस 10 सी, तो यहाँ से R निकल आया। अब अगर R की वैल्यू अगर हम पुट कर दें पहले इक्वेशन में तो हमको क्या मिल जाएगा, जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट जी प्लस 15R, तो 15R की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 10 सी इक्वल टू 150 सी थी, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी माइनस 150 सी इक्वल टू 150 सी, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 300 सी। तो यहाँ से जी की वैल्यू निकल आई इन टर्म्स ऑफ सी। अब आगे हम और क्या निकाल सकते हैं, सो कितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डेज थे, हमको क्या फाइंड करना था कि कितने नंबर ऑफ दिन में, फॉर हाउ मेनी डेज कैन 30 काउ ग्रेज इन द फील्ड, तो 30 गाउ जो है कितने दिन में घास को चर लेंगी। तो जी क्या थी, 300 सी, इसका मतलब टोटल जी क्या था,
टोटल घास, तो टोटल घास कितनी है 300 सी है, और कितने दिन में चरना है, और गाय कितनी है यहाँ पर 30 गाय है, तो क्या कर देंगे 30 से सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हैं निकालने के लिए। तो अगर 30 गाय हैं तो कंडीशन की अकॉर्डिंग अगर फॉलो करें तो 30 गाय हैं तो जी प्लस ये क्या हो जाएगा, हमको नहीं पता कितने दिन तक घास मतलब कितने दिन में जो है 30 गाय घास चर लेती हैं, तो हमने क्या ले लिया सपोज एक्स दिन में, तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी एक्स, मतलब सामने क्या सपोज कर लिया कि 30 गाय हैं और एक्स दिन में घास चर लेती हैं, तो क्या हो जाएगी कंडीशन जी प्लस एक्स इंटू आर इक्वल टू 30 गाय हैं, सो ये क्या हो जाएगा 30 इंटू और एक्स डेज में, तो 30 इंटू एक्स इंटू सी, तो ये क्या हो जाएगा जी प्लस एक्स आर इक्वल टू 30 एक्स सी। अब क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, जी की वैल्यू कितनी थी, जी निकला था हमारा 300 सी, तो जी की जगह हो जाएगा 300 सी, और आर की वैल्यू 300 सी माइनस, ठीक है, सो 300 सी माइनस 10 एक्स सी इक्वल टू, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू माइनस 10 सी निकला था, तो आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10 एक्स सी इक्वल टू 30 एक्स सी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 40 एक्स सी इक्वल टू 300 सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सही 1/2, जो डिवाइड करने पर इसका मतलब क्या हुआ कि 7.5 दिन में जो है 30 गाय घास चर लेंगे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।